दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन साहब की कंपनी ABCL कॉरपोरेशन लिमिटेड के फेलियर स्टोरी के बारे में। ये फेलियर ऐसा था जब अमिताभ जी रोड पे आ चुके थे एक समय था, और उसके बाद इन्होंने बाउंस बैक किया और फिर से अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया। तो आज हम जानेंगे कि ऐसी क्या गलती अमिताभ बच्चन जी ने की जिससे उनका ये बिजनेस फेल हो गया था। तो आइए इस वीडियो को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं और एक एक डिटेल से जानेंगे कि एक बड़ा आदमी भी अपना बिजनेस में फेल हो सकता है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑर्ट। तो दोस्तों अभी तक हमने बहुत से स्टार्टअप्स के बारे में बात किया जो कि शुरू हुए और फेल हो गए, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा खास है। हम आज अमिताभ जी के बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि जब अमिताभ जी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज दे रहे थे और काफी सारी मूवीज देने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं बिजनेस में भी हाथ आजमाता हूं। मैं इंडिया का सबसे बड़ा एक्टर तो हूं ही, तो क्यों ना आप बिजनेस में भी जाते हैं। तो 1995 के आसपास अमिताभ जी ने सोचा कि अपना खुद का एक वेंचर लॉन्च करते हैं जिसमें हम फिल्म प्रोड्यूस करेंगे और बाकी फिल्म से रिलेटेड सारे काम करेंगे। तो अमिताभ जी ने 1995 में एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया जिसका नाम था अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ABCL। दोस्तों ABCL के बिजनेस का पूरा काम था कि वो नई मूवीज बनाएगी, वो मूवीज का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, वो म्यूजिक के राइट्स खरीदेगी और उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट, ये सारा कुछ ABCL ग्रुप के अंदर आता था। और अमिताभ जी ने अपनी जब कंपनी शुरू की तो उन्होंने 150 लोगों की हायरिंग करी और इसके बाद इस कंपनी ने शुरुआत में ही बहुत अच्छा काम शुरू कर दिया। ये सबसे पहले बॉम्बे फिल्म के हिंदी राइट्स इन्होंने खरीदे और उसे रिलीज़ किया जो कि बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इसके साथ ही बैंडिट क्वीन को भी इन्होंने तेलुगू वर्जन में भी लॉन्च किया। तो शुरुआत कंपनी की काफ़ी अच्छी जा रही थी। इसके बाद इन्होंने एबी बेबी का म्यूज़िक, दिल जले, रक्षक जैसी मूवीज़ इन्होंने उसके गाने वगैरह पर इन्होंने काम किया। दोस्तों इसके बाद आता है कि इनके बिजनेस में बड़ा एक टर्निंग पॉइंट। इनको एक कंपनी अप्रोच करती है जो कि मिस वर्ल्ड का कंपटीशन हर साल ऑर्गेनाइज कराती रहती थी। ये एक ब्रिटिश कंपनी थी, तो हमेशा जो मिस वर्ल्ड का कंपटीशन होता था वो सन सिटी में हुआ करता था, लेकिन उसके बाद इस कंपनी ने सोचा कि क्यों ना इसको अब कहीं नॉर्वे जैसी कंट्री या फिर इंडिया में इसको कराया जाए। तो जब उन्होंने इंडिया के बारे में सोचा तो उन्होंने ABCL के बारे में सुना और अमिताभ बच्चन जी को कंपनी ने अप्रोच किया कि आप मिस वर्ल्ड पीजेंट कंपटीशन 1996 का इंडिया में करवाइए। अमित जी ने इस पर काफ़ी जल्दबाजी दिखाई और उसके बाद उन्होंने तुरंत इस पर हाँ कर दिया और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये हम इंडिया में पूरा करा रहे हैं अब बैंगलोर में। और इसमें जो पूरा टाइम बचा था वो सिर्फ 4 महीने का बचा था और उसके बाद इन्होंने इतना बड़ा इवेंट अपने हाथ में ले लिया था। दोस्तों इसके बाद मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सपेक्ट किया कि इस पर टोटल खर्च $2 मिलियन का आएगा, लेकिन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो थी इसने जो अंत में जो टोटल खर्च आया वो करीब $5 मिलियन का था। मतलब मैं बात करूँ 17.5 करोड़ के आसपास इसमें पूरा इनका खर्च हुआ और उसमें इंडिया में काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, वुमेन प्रोटेस्ट वगैरह हुआ कि ये चीज़ें इंडिया में नहीं ऑर्गेनाइज करानी चाहिए। बच्चन साहब इंडिया का मूड नहीं समझ पाए थे उस समय, क्योंकि 1996 का जो टाइम था उस समय इंडिया में ये मिस वर्ल्ड वगैरह उतना ज़्यादा फेमस नहीं था और इन्होंने बहुत जल्दबाजी में फैसला ले लिया। इनको लगा कि हम अच्छी मूवीज बना चुके हैं, बच्चन साहब को पूरा एक्सपीरियंस तो था अपने एक्टिंग का बट बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं था। उनको इंडिया की ऑडियंस पूरी तरह से नहीं पता थी, तो ये उतने ज़्यादा टिकट्स नहीं रेस कर पाए, मतलब जो लोग टिकट बाई करके वो कॉम्पिटिशन देखने जाएंगे। तो ओवरऑल इनको 4 करोड़ का पूरा लॉस हो गया इसमें। दोस्तों इसके बाद ईयर एंड हुआ और ईयर एंड में अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने करीब 65 करोड़ का रेवेन्यू टच किया और इसमें इनका प्रॉफिट करीब 15 करोड़ का था। तो बिजनेस की शुरुआत तो अच्छी थी, एक इनको सेटबैक लगा था, ये काफ़ी बेकार इवेंट चला गया था जिसमें इनको 4 करोड़ का लॉस हुआ था। इस लॉस को अगर हम समझेंगे क्या यहाँ गलती रही, तो बच्चन साहब ने बहुत जल्दबाजी में यहाँ पे फैसला लिया। इन्होंने इनके पास सिर्फ 4 महीने बचे थे और 4 महीने में इतना बड़ा इवेंट कराना एक बहुत ही रिस्क टेकिंग इशू था जो इनको फेस भी करना पड़ा। ये उस समय इंडिया का मूड नहीं समझ पाए कि इंडिया में लोग अभी इतने कॉम्पिटिशन्स वगैरह और इतने वर्ल्ड लेवल के कॉम्पिटिशन्स वगैरह देखने के लिए रेडी नहीं है और 4 महीने एक सफिशियंट टाइम नहीं था कि लोगों को हम अवेयर कर सकें। तो ये सब कुछ इशू आए जिसकी वजह से ये इतना बड़ा इवेंट इनका एक फेल्योर साबित हुआ। इसके बाद ABCL ने यहाँ पे कई सारे इवेंट कराए नॉर्थ अमेरिका में जहाँ पे अमिताभ बच्चन साहब को जाके परफॉर्मेंस करनी थी, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑडियंस नहीं आ पाई और ये भी एक थोड़ा फेल्योर साबित हुआ। अब इसके बाद इनके जो इवेंट मैनेजर थे उनके और अमिताभ जी में थोड़े से टसल्स वगैरह होने लगे और अमिताभ जी ने उनको रिप्लेस कर दिया और किसी दूसरे पर्सन को वहां पे रखा। दोस्तों ABCL को कई सारे झटके लग रहे थे, अब कई सारे इनके लॉसेस हो रहे थे, तो इन्होंने फिर से नई मूवीज बनाना चालू किया। अब ये मार्केट में इन्होंने कई सारी मूवीज लाई, तेरे मेरे सपने
और सात रंग के सपने, इस तरह की मूवीज इन्होंने लॉन्च किया। लेकिन दोस्तों ये सब मूवीज बॉक्स ऑफिस पे एकदम नहीं चली और ये सब इनको एक लॉस मेकिंग बिजनेस होते जा रहे थे। अब यहाँ पे अमित जी की ये गलतियां क्यों हो रही थी, क्योंकि ये पूरी तरह बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए थे। एक्टिंग में तो ये परफेक्ट थे, लेकिन अभी क्या कर रहे थे, ये बिजनेस कर रहे थे, इसलिए इनको ये झटके लग रहे थे। अब कंपनी ने सोचा कि इतने बड़े सेटबैक्स लग रहे हैं, फेल्योर लग रहे हैं, तो अपने टीम के सबसे बड़े प्लेयर को एमएस धोनी को ही उतार देते हैं। तो इस टीम के एमएस धोनी थे अमिताभ बच्चन साहब खुद। तो इन्होंने अपनी अगली मूवी बनाई मृत्युदाता और उसमें अमिताभ जी ही खुद रोल उसमें एक्टिंग कर रहे थे। लेकिन ये मूवी भी एक फेल्योर साबित हुई और ये मूवी भी इनकी नहीं चली। अब यहाँ पे बहुत बड़े मुश्किल में आ गई थी ABCL। दोस्तों इसमें साल आ गया था 1999 और इसमें अब ABCL के पास पैसे बिल्कुल नहीं बचे थे। ये बिल्कुल पूरी तरह से कैश आउट हो चुके थे। अब इनके पास अपनी स्टाफ को भी सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं बचे थे। अमिताभ जी पूरी तरह से एकदम कर्ज में आ चुके थे। अब इनको कोई और तरीका दिख नहीं रहा था, तो इन्होंने सोचा कि अब हम अपने आप को बैंकक्रप्ट घोषित करते हैं ताकि कुछ उससे कुछ तो हो सके जो। और इसके बाद इन्होंने कैनरा बैंक से डीलिंग किया और उसमें इनका जो बंगलो था मुंबई का प्रतीक्षा, वो भी यहाँ पे दो फ्लैट्स इनके दाव पे लगे हुए थे। और इसके बाद द इंडियन बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन ने इनको पूरी तरह से सिक कंपनी घोषित कर दिया। और इसके बाद अमिताभ बच्चन साहब पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो गए थे। इनके जो बिजनेसमैन दोस्त थे और जो भी इनके फ्रेंड सर्कल में आते थे, तो लोगों ने कहा कि आप ये कंपनी पूरी तरह से बंद कर दीजिए। लेकिन बच्चन साहब यहाँ पे बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने यही सोचा कि इस कंपनी पे लोगों ने ट्रस्ट मेरे नाम पे किया है, अब सबके पैसे बकाया है, तो मैं उसको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। तो बच्चन साहब ऐसा कुछ सोच रहे थे। उनकी रातों में बच्चन साहब ऐसा कई इंटरव्यूज में उन्होंने बताया कि उनकी रातों में वो सो ही नहीं पाते थे, क्योंकि इतने ज़्यादा इनके ऊपर कर्ज थे। ABCL के ऊपर करीब करीब 90 करोड़ के आसपास का पूरा कर्ज हो चुका था। दोस्तों 90 करोड़ का कर्ज आज थोड़ा सा आपको कम लग रहा होगा, लेकिन 1999 में ये कर्ज बहुत बड़ी एक रकम हुआ करती थी, और जो कि अमिताभ जी के लिए भी एक बहुत बड़ी रकम थी। उनकी पूरी सारा घर पैसा सब कुछ उनका दांव पे लगा था। ये बातें मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। इसी के बाद एक दिन सुबह सुबह अमिताभ बच्चन साहब पैदल चल के जाते हैं यशराज चोपड़ा के घर पे और उनसे कहते हैं कि मैं पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो गया हूँ, आप मुझे कोई मूवी दीजिए। अब इसके बाद एक उस समय मूवी आने वाली थी मोहब्बतें, और उसमें बोमन ईरानी को लिया जाने वाला था, लेकिन उनको हटा के अमिताभ बच्चन साहब ने रोल किया। अब यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी अपना जिसमें वो बेस्ट थे, अब अमिताभ जी अपनी गेम खेल रहे थे और मोहब्बतें एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई, ये आप भी जानते होंगे। उसमें अमिताभ जी ने जो एक्टिंग की वो मतलब जो बेस्ट लेवल की एक्टिंग हो सकती है वो अमिताभ जी ने यहाँ पे करके दिखाई। दोस्तों इस मूवी से बच्चन साहब ने थोड़े पैसे कमाए, लेकिन मार्केट में ये पता चल चुका था कि बच्चन साहब अभी इनके में एक्टिंग बहुत सारी बची हुई है और अभी ये मार्केट से बाहर नहीं हुए हैं। और इसी के बाद अमिताभ जी एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं। उनको एक ऑफर आता है कि टीवी शो करना है कौन बनेगा करोड़पति का, और उस समय जितने बड़े एक्टर होते थे वो छोटे पर्दे पे नहीं आया करते थे, मतलब टीवीज वगैरह नहीं करते थे, क्योंकि उससे उनकी इमेज पे थोड़ा डेंट लगता था, उनको पैसे जितने मिलते थे वो कम हो जाते थे। लेकिन अमित जी ने यहाँ पे बहुत बड़ा एक रिस्क लिया जो कि कोई बड़ा से बड़ा एक्टर नहीं लेता था, और अमित जी ने उस समय रिस्क लिया जब वो सबसे बुरे टाइम पे थे। और इसके बाद कौन बनेगा करोड़पति एक इनकी बहुत बड़ी हिट साबित हुई, और इसके बाद 80 शो के करीब करीब इन्होंने 15 करोड़ रुपए चार्ज किए। और इसके बाद आप सभी जानते हैं कि बच्चन साहब फिर से उतने ही हिट थे जितने ज़्यादा वो पहले थे, और उससे कहीं ज़्यादा हो गए थे हिट। और दोस्तों अब अमिताभ जी को पूरी तरह से एक रास्ता मिल चुका था, और इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसके बाद इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आगे मूवीज दी, जैसे कि पा हो गया, सरकार मूवी हो गया, और इसके बाद बुढ़ा होगा तेरा बाप, इस टाइप की इन्होंने मूवीज दी। और इसके बाद अमित जी ने खुद जा जाके लोगों को जितने रुपए जिसके बकाया थे वो सब कुछ उनके घरों पे जाके दिया। ये एक बड़े एक्टर और एक बड़े इंसान की पहचान होती है कि उनको ये याद होता है कि क्यों लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया था, और वही चीज अमिताभ जी ने दिखाई। दोस्तों उनको पीछे हटना बहुत आसान था उस समय, एक बार वो अपने आप को बैंकक्रप्ट घोषित कर देते तो लोग क्या ही कर लेते उसके बाद। अब लेकिन यहाँ पे अमित जी ने अपने आप को पीछे नहीं किया, वो उस मैदान में कूद गए, और यही चीज एक बड़े बिजनेसमैन में होना चाहिए और एक बड़े एक इंसान में भी होना चाहिए। दोस्तों इनके फेल्योर का जो बहुत बड़ा रीजन था,
अगर हम बात करें तो अमित जी एक्टिंग में परफेक्ट थे, लेकिन उन्होंने इसके पहले कभी बिजनेस नहीं किया था, उनको बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो खुद अपने कई इंटरव्यूज में बताते हैं कि मुझे इसके पहले कोई बड़ा बिजनेस का एक्सपीरियंस था ही नहीं, और उन्होंने कई सारे डिसीजन लिए। उनको लगा कि मुझे एक्टिंग आती है तो ये भी तो वही चीज़ है, लेकिन बिजनेस में फाइनेंसेस आते हैं और फाइनेंसेस मैनेज करना एक बहुत बड़ी कला होती है। तो इस तरह बाद में अभिषेक बच्चन जी ने भी इसे बिजनेस को ज्वाइन किया। अब ABCL अभिषेक बच्चन भी रन करते हैं और इसमें भी ये कई सारी मूवीज, इन्होंने काफी हिट मूवीज दिया। तो इस तरह से यही था ABCL का स्टोरी। तो आप किसी भी एक बिजनेस में अगर अच्छे हैं, किसी भी एक चीज में आप अच्छे हैं, तो जरूरी नहीं है आप दूसरी चीज में भी अच्छे हो, या आप अमित जी से सीख सकते हैं। वो एक्टिंग में अच्छे थे लेकिन वो अच्छे बिजनेसमैन नहीं थे, तो आपको अपनी लिमिटेशन और अपनी कैपेबिलिटीज जरूर पता होनी चाहिए। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों, मुझे लगा कि आपके सामने ये भी स्टोरी लेके आनी चाहिए कि बड़ा से बड़ा आदमी भी बिजनेस में फेल हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है बिजनेस में फेल होना। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कितने भी बड़े इंसान हो, आप फेल हो सकते हो। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो, और वीडियो आपको अच्छी लगी थी वीडियो को लाइक करिएगा। थोड़ी अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी थी, तो मैंने सोचा कि इसे एज एन इंस्पिरेशन भी आपको थोड़ा बताया जाए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में भी लिख के बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा।